अब आपका भविष्य आपके हाथों में है, और अगर आप सपने देखना शुरू करेंगे तो आपके सपने साकार होने भी शुरू होंगे। तो हम आपको कुछ लोगों के सपनों की दुनिया में चलिए ले चलते हैं और उनको बताते हैं, आपको बताते हैं कि उन लोगों के सपने कैसे पूरे हुए और लोग कहां से कहां पहुंच गए। तो हम देखिए आपको सबसे पहले तो चलिए हम शॉर्ट में अपने सपनों की दुनिया में आपको ले चलते हैं। मुझे याद है मैंने अपने अपना सबसे पहला सपना उस वक्त देखा था जब हम ग्रेड फोर्थ में पढ़ते थे। तो उस वक्त हम सपना देखते थे कि हम इम्पाला कार खरीदेंगे। हमें ये नहीं मालूम था कि इम्पाला कार खरीदने में कितनी पैसों की जरूरत होगी और कितने मेहनत लगेगी उन पैसों को कमाने में, लेकिन हमने ये सपना देखा कि हम इम्पाला कार खरीदेंगे। उसके बाद हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई खत्म करके दिल्ली आए। दिल्ली में हमने 300 रुपए की नौकरी से अपने करियर की शुरुआत की। हमें मात्र 300 रुपए तनख्वाह मिलती थी और 5 रुपए हमें रोज कन्वेंस के मिलते थे, और हमें एक ऑटोमेटिक स्लाइड प्रोजेक्टर बेचना होता था जिसको हम एक हाथ में पकड़ के और दूसरे हाथ से डीटीसी की बस में लटक के एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। तो उस वक्त हमने और सपने देखने शुरू किए। हमने ये सपना देखा कि हम बड़ी कंपनी में काम करें। तो कुछ दिनों के बाद से हमें हिंदुस्तान लीवर में हमारा नौकरी मिल गई, जो हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि बहुत सारे दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनियों में जानी जाती है, जो ये लक्स सोप वगैरह बनाते हैं। तो हमारा वो सपना भी पूरा हुआ। उसके बाद हमने सपना देखा कि हम विदेश चले जाएं। हम विदेश चले गए। वहां पे हमने सपना देखा कि हम जो है अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ाएं, अपने बच्चों को रोज स्कूल छोड़ने जाएं, अपने बच्चों को हम विदेश पढ़ने भेजें। और आप यकीन करें, एक के बाद हमारे एक ये सारे सपने पूरे होते गए। हम लोगों ने इम्पाला कार की जगह और बड़ी बड़ी कारें खरीदनी शुरू कर दी। हम अपने हमारी शादी हुई तो हमारे दो बेटे हुए और हमने उनको उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया जहां का हम सपना देखते थे। हम अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने उसी स्कूल में जाते थे रोज सुबह, जिसका हम सपना देखते थे। देखिए, ये छोटे और बड़े सारे तरीके के हम सपने देखते थे। अब छोटे सपनों में तो ये सपना था कि हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएं या बच्चों को एक पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन बड़े सपने में ये सपना था कि हम बच्चों को अपने विदेश पढ़ने भेजें। तो हमने अपने एक बेटे को US पढ़ने भेज दिया, एक को UK पढ़ने भेज दिया। हमारा बड़ा सपना ये था कि हम जो है दुबई में एक मकान बड़ा खरीदे, एक विला खरीदे, तो वो सपना भी पूरा हुआ। हमारा एक बड़ा सपना ये भी था कि हमें अवार्ड मिले, हम टीवी पे हमारे इंटरव्यूज आए। तो हमें 2005 में NRI अचीवर्स अवार्ड से नवाजा गया। 2009 में हमें भारत सम्मान प्रवासी अवार्ड से नवाजा गया इंडिया में। तो हमारा ये सपना भी पूरा हुआ। हमारे टीवी पे इंटरव्यूज आने लगे। कुछ दिनों के बाद से हमने टीवी पे एक लाइव शो करना शुरू किया, हाउ टू चेंज योर लाइफ, हाउ टू अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। तो हमारा वो सपना भी पूरा हुआ। तो आप ये देखिए कि एक वो व्यक्ति जिसकी बड़ी हम्बल बिगनिंग थी, जिसने अपने करियर की, अपने भविष्य की शुरुआत 300 रुपए से की थी, वो सपने देखता था कि हम विदेश जाएंगे, बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, बड़ा विला खरीदेंगे, टीवी में इंटरव्यूज आएगा और हमारा अवार्ड्स हमें मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम आपको अपने सपनों की बात बताना शुरू करें तो शायद काफी दिन, काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन हमारे वो छोटे सपने हो या बड़े सपने हो, हमारे वो सारे सपने एक के बाद एक पूरे होते गए। और हम ये सोचते रहे और इस चीज में हम विश्वास करते रहे। और बच्चों, आपसे मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी इस चीज में विश्वास करिए कि आप जब सपने देखिए तो आप ऐसे सपने देखिए जो तारे से बड़े हों, विच शुड बी बिगर देन स्टार, डीपर देन द सी एंड हायर देन द माउंटेन। आपके सपने जो हैं वो सितारों से बड़े हों, समुद्र की गहराई से गहरे हों और पहाड़ों की ऊंचाई से ऊंचे हों, तभी आपके सपने पूरे होंगे। आप ये देखिए कि जो हम ये सपने देखते रहे, इतने बड़े बड़े सपने, जो पहाड़ों की ऊंचाई से भी ऊंचे सपने थे, अदरवाइज 300 रुपए की नौकरी वाला कहां से ये सपने देख के सपने पूरे करेगा कि बच्चों को विदेश में हम पढ़ाएंगे या एक पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ाएंगे या गाड़ियां खरीदेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरीके से हमारे सारे सपने एक के बाद एक पूरे होते रहे। अब आपको चलिए हम कुछ और लोगों के सपनों की बात बताते हैं। आप सभी ने
शायद नाम सुना होगा MS धोनी का। MS धोनी जो है वो सबको मालूम है कि उनकी भी बड़ी हम्बल बिगनिंग थी, और वो जो है उनका एक पैशन था कि वो क्रिकेट में, जब से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया वो ये चाहते थे कि वो बहुत बड़े एक क्रिकेटर बने, और उनके बाबूजी उनके बहुत पीछे पड़े रहते थे कि तुम कोई नौकरी करो नौकरी करो नौकरी करो। लेकिन MS धोनी का ये सपना था कि मैं एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूं। तो MS धोनी ने अपने बाबूजी के जिद के वजह से, अपने बाबूजी के प्रेशर के वजह से रेलवे में नौकरी तो जरूर ज्वाइन कर ली टिकट कलेक्टर की, लेकिन अपना सपना देखना नहीं कम किया। अपने सपने को साकार करने के लिए जो मेहनत उन्हें करनी थी उसको उन्होंने नहीं छोड़ा, और अंत में MS धोनी जो है वो एक हिंदुस्तान के नहीं बल्कि सारी दुनिया के मोस्ट रिचेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन बने, इंडिया के बहुत ही सफल कैप्टन्स में बने, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स में बने, और उनका करियर अभी भी चल रहा है, उनका करियर खत्म नहीं हुआ है। तो आप देखिए MS धोनी ने अपने सपने को कैसे साकार किया। अरुणिमा सिन्हा एक महिला है जो एक बार ट्रेवल कर रही थी ट्रेन से इलाहाबाद और कानपुर के बीच में, और कुछ गुंडों ने उनको ट्रेन से बाहर धक्का देके फेंक दिया, और उनके दोनों पैर जो है वो ट्रेन की पटरी के नीचे आके कट गए, और रात भर वो पटरी पे कराती रही और वो चूहे और कीड़े मकोड़े उनके पैर को खाते रहे और वो बेहोश पड़ी रही। सुबह जब उनको अस्पताल ले जाया गया और उनको होश आया तो पत्रकारों ने पूछा कि आपके दोनों पैर कट गए, अब आप बताइए आप क्या करेंगी। तो अरुणिमा सिन्हा ने कहा कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने, अगर मुझे भगवान ने अभी तक जिंदा रखा है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज होगा, तो मैं जो हूं मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। तो सारे लोग हंसने लगे कि एक वो महिला जिनके दोनों पैर कट गए हैं वो एक सपना देख रही है कि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगी। और जब अरुणिमा सिन्हा अस्पताल से डिस्चार्ज होके आई तो उन्होंने अपने सपने को साकार करने के संपूर्ण प्रयत्न करने शुरू कर दिए, और अंत में अरुणिमा सिन्हा ने सिर्फ माउंट एवरेस्ट पे ही नहीं बल्कि 7 एवरेस्ट पे अरुणिमा सिन्हा चढ़ी। तो अब आप ये देखिए कि एक वो महिला जिनके दोनों पैर नहीं थे वो 7 एवरेस्ट पे वो चढ़ी। एक व्यक्ति है ऑस्ट्रेलिया में जिनका जन्म जब हुआ था तो उनके दोनों पैर और उनके दोनों हाथ नहीं थे, ना उनके हाथ थे ना पैर थे, बस उनके घुटनों में 2 टाइनी सी आप उंगली कह सकते हैं, एक बेसिकली स्किन के टुकड़े थे। तो वो व्यक्ति जब थोड़ा बड़े हुए तो उनको ये लगने लगा कि मैं तो अपनी सारी जिंदगी किसी ना किसी के ऊपर बोझ बना रहूंगा, तो उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, और एक बार नहीं 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुए। और फाइनली उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं सफल नहीं हो रहा हूं आत्महत्या करने में भी तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज होगा। तो उन्होंने फिर जो है सपने देखने शुरू किए और धीरे धीरे अपने सपनों को साकार करने की कोशिश की, और आज वो लॉस एंजलिस में रह रहे हैं, उनका विवाह हो गया, उनके 2 जुड़वा बेटे और 2 उनकी बेटियां, 4 बच्चे हैं, वर्ल्ड के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, करोड़पति हैं, और उनको ऑस्ट्रेलियन सिटीजन का अवार्ड भी मिल चुका है। वो 1 मिनट में 20 वर्ड कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, अपना बाल खुद से काटते हैं, फोन अटेंड करते हैं, पानी पीते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो बच्चों आप ये सोचिए कि एक वो महिला जो दोनों पैर के कटने के बाद 7 एवरेस्ट पे चढ़ी, वो एक वो व्यक्ति जिनके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं थे वो जो है आज दुनिया के करोड़पति और माने जाने जो है मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हमारे और MS धोनी के सपने तो इनके सामने छोटे सपने हैं जो हम लोगों ने साकार किए, क्योंकि कम से कम हम लोग हर तरह से सक्षम हैं, हमारे हाथ पैर अल्लाह ताला ने हम लोगों को सारी चीजें दी हैं। तो हमारे लिए हमारे सपनों को साकार करना उन लोगों के कंपैरिजन में इज मच इजियर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर इन सारे लोगों के सपने साकार हो सकते हैं तो आप सभी लोगों के सपने भी साकार हो सकते हैं। आप ये सोचते होंगे कि ये लोगों के सपने जो साकार हुए शायद ये बड़े किस्मत वाले लोग होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए किस्मत क्या है, किस्मत इज नथिंग
बट अ मैरिज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एफर्ट्स। किस्मत जो है वो अपॉर्चुनिटी, प्रयास और मौके का आपस में मिलन है, इन दो चीजों का आपस में विवाह है। जो आदमी मौके को हाथ से नहीं जाने देता है, पकड़ के रखता है और संपूर्ण प्रयत्न करता है, जैसा कि अरुणिमा सिन्हा ने किया, MS धोनी ने किया, निक ने किया जो बगैर हाथ पैर के पैदा हुए थे, या मैंने भी किया, तो उस वजह से हम लोगों के सपने साकार हुए। जिनके सपने साकार नहीं होते हैं वो लोग कहते हैं, वो लोग अपने देश को, अपने माता पिता को, अपने ट्रेनर्स को, अपनी किस्मत को, इन सारी चीजों को ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मेरे माता पिता ने कुछ नहीं सिखाया, मुझे स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिली, मैं गलत देश में पैदा हो गया, मेरे नेता नहीं अच्छे हैं। वो अपने आप में झांक के कभी नहीं देखते हैं कि उन्होंने संपूर्ण प्रयत्न किया या नहीं किया अपने सपनों को साकार करने के लिए। तो आइए अब हम आपको ये बताते हैं कि ये सपने साकार कैसे होते हैं, हम लोगों ने अपनी किस्मत कैसे बनाई। देखिए, हमारे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, वो अक्सर ये कहते थे कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आप पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। हम लोग, अब आप सोचिए कि जिस वक्त मैं 300 रुपए की नौकरी करता था दिल्ली में और एक हाथ में 5 किलो का प्रोजेक्टर लेके एक हाथ से DTC की बस पे लटक के जाता था, उस वक्त मैं अपनी जान हथेली पे लेके चलता था। अगर पीछे से कोई आके मुझे धक्का दे देती गाड़ी तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। तो उस वक्त मैं सूरज की तरह जल रहा था। अरुणिमा सिन्हा जब संपूर्ण प्रयत्न कर रही थी तो सूरज की तरह जल रही थी। जब निक जो है ये मेहनत कर रहे थे इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए, तो वो सूरज की तरह जल रहे थे। MS धोनी जब एक तरफ रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी कर रहे थे और दूसरी तरफ जितना भी वक्त मिलता था आके क्रिकेट की तैयारी करते थे, उस वक्त वो सूरज की तरह जल रहे थे। आज हम सभी लोग फक्र के साथ कह सकते हैं कि हम लोग वी आर शाइनिंग लाइक अ सन। आज हम सूरज की तरह चमक रहे हैं क्योंकि हमने अपने सारे सपने पूरे कर लिए। इन सपनों को सारे पूरे करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको पहले तीन चीजें चाहिए। नंबर वन, बर्निंग डिजायर। आप में अंदर से हमेशा एक ज्वाला सी भड़कती रहनी चाहिए कि हमें ये चीज हासिल करना है। जैसे अरुणिमा सिन्हा ने कहा था कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो उनके अंदर एक ये ज्वाला सी भड़कती थी हर वक्त कि मुझे अपना ये सपना साकार करना है। देखिए, मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। विराट कोहली का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। विराट कोहली जब 2014 में UK गया था 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने, तो 2014 में विराट कोहली बिल्कुल फेल हो गया था और उसने 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में सिर्फ 53 रन बनाए थे विराट कोहली ने। विराट कोहली को बड़ा बुरा लगा था कि 5 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 53 रन बनाए। उन्होंने बहुत बार अपने इंटरव्यू में ये बात कही कि मैं हमेशा से ये चाहता था कि जब मैं मैदान पे खेलने के लिए उतरूं तो सारे अपोजिशन के बॉलर्स ये कहें कि विराट कोहली उतरा है, विराट कोहली को आउट करना है, विराट कोहली को आउट करना है। विराट कोहली ने बड़ी मेहनत करी, अपने फिजिकल फिटनेस पे मेहनत करी, अपनी बैटिंग टेक्निक्स पे मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। और 2018 में जब विराट कोहली UK गया 5 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला खेलने, तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाला दोनों टीमों के कंपैरिजन में, इंडिया और US की टीम के कंपैरिजन में, विराट कोहली था जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए, 583 रन और 9 इनिंग्स में बनाए, बिकॉज लास्ट इनिंग्स में विराट कोहली डक पे 0 पे आउट हो गया था। तो विराट कोहली का देखिए ये सपना पूरा हुआ। क्यों पूरा हुआ? क्योंकि उसमें ये बर्निंग डिजायर था, वो अपने इस सपने को साकार करना चाहता था। उसके अंदर एक ये ज्वाला भटकती थी कि मैं एक ऐसा प्लेयर क्यों नहीं बन पा रहा हूं जिसको देख के सारी दुनिया के बॉलर डरें और ये कहें कि विराट कोहली को आउट करना है। तो दैट वॉज हिज बर्निंग डिजायर। नंबर टू,
आप में कंप्लीट सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, संपूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए आप में कि आप जो है हर चीज को हासिल कर सकते हैं। देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर चीज हासिल की जा सकती है। और इस पे भी मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगा जो मुझे एक बार एक दिल्ली में एक स्टूडेंट ने ही कही थी। कंप्लीट सेल्फ बिलीफ पे पहले मैं आपको बताता हूं, महात्मा गांधी ये चाहते थे कि वो हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करा दें। महात्मा गांधी ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई वॉर नहीं की, सालों जेल में भी रहे, लेकिन उन्होंने अंत में हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराया। ये उनका कंप्लीट सेल्फ बिलीफ था, उनका संपूर्ण आत्मविश्वास था कि ये चीज हम अचीव कर सकते हैं। तीसरा, नंबर 3, अनकंडीशनल फेथ। आपको अपनी कैपेबिलिटी पे और ऊपर वाले पे संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, अनकंडीशनल विश्वास होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज हो सकती है। देखिए, हम लोग जब कोई भी सपना देखते हैं तो अपने सपनों की हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के ऊपर भेज देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा सपना है जो मुझे साकार करना है, मैं इसके लिए संपूर्ण प्रयत्न करूंगा और आप मुझे हर क्षण जो है मदद करेंगे कि मेरा ये सपना साकार हो। एक बड़ी अच्छी कहानी है एक छोटी सी बच्ची की। वो ट्रेवल कर रही थी एक बार प्लेन में, एक प्लेन जा रहा था, उड़ रहा था, और उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। तो थोड़ी देर के बाद कैप्टन ने अनाउंस किया कि आप सभी लोग अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, बिकॉज बाहर बहुत ज्यादा मौसम खराब है और टर्बुलेंस हो रहा है, तो इस वजह से आप सभी लोग जो है अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए। सब लोगों ने सीट बेल्ट बांध लिया और बांध के अपना बैठे रहे। थोड़े ही क्षणों के बाद दोबारा अनाउंसमेंट हुआ कि बाहर बहुत ज्यादा मौसम खराब है, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हो रहा है, तो आप लोग जो को खाना और पीने की कोई भी वस्तु नहीं दी जाएगी, कोई भी सर्विस प्रदान नहीं की जाएगी। और प्लेन जो है वो ऐसे 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 डगमगाने लगा, बहुत ज्यादा ठाक ठाक ऊपर नीचे, मौसम इतना ज्यादा खराब था। अब सारे लोग जो है वो घबराने लगे, अब सारे लोग जो है कोई रोने लगा, कोई प्रार्थना करने लगा, कोई एक दूसरे से बात करने लगा। एक बड़े ही वृद्ध व्यक्ति जो है वो बैठे देख रहे थे कि ये छोटी सी बच्ची जो आगे की सीट पे बैठी है वो अपना एक किताब पढ़ रही है और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सारे लोग परेशान है, मतलब कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई हंस, मतलब ये परेशान हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, अब आज तो हमारी मौत हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेन में डिस्टर्बेंस हो रहा था। ये बच्ची बैठी आराम से अपना किताब पढ़ रही थी। खैर, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, भगवान की दया से फाइनली प्लेन जो है वो सेफली लैंड कर गया और सभी लोग एक एक करके फ्लाइट से नीचे उतरने लगे। ये वृद्ध व्यक्ति जो थे ये अपना वहां बैठे रहे और जब सब लोग उतर गए तब ये उस छोटी सी बच्ची के पास गए और उससे पूछने लगे कि बेटा, ये प्लेन में इतना डिस्टर्बेंस हुआ, सारे लोग परेशान थे, रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और तुम बैठी किताब पढ़ती रही, तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हें डर नहीं लगा? तो उस बच्ची ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उस बच्ची ने कहा कि इस फ्लाइट के जो कैप्टन है वो मेरे बाबूजी हैं और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे घर लेके चलेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास था कि कुछ होगा नहीं। तो दैट इज अनकंडीशनल फेथ, दैट वॉज हर अनकंडीशनल फेथ ऑन द एबिलिटी ऑफ हर फादर एंड ऑन हायर इंटेलिजेंस। तो 3 ये चीजें जो हमने आपको बताई, पहली बर्निंग डिजायर, कंप्लीट सेल्फ बिलीफ, और तीसरी अनकंडीशनल फेथ। और मैं आपसे कह रहा था कि देखिए, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। तो दिल्ली में एक स्कूल में एक बार मैं लाइव लेक्चर कर रहा था तो एक स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी बात आके कही। उसने कहा कि सर देखिए, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग क्या है, आई एम पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल कैसे कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज कैसे असंभव हो सकती है, सारी चीज संभव है, हर चीज को
अचीव किया जा सकता है। तो अब आइए आपको हम कुछ और चीजें बताते हैं। देखिए, और तीन चीजें आप बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग अभी बहुत छोटे छोटे हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीन चीजों के अलावा भी और क्या चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। तो पहली है, बी सिंसियर टू योरसेल्फ। आप अपने आप से ईमानदार रहिए, ऑनेस्ट रहिए। अगर आप कभी कोई गलत काम करते हैं तो आप अपने आप से कहिए कि ये मैंने गलत काम किया है, आज मैं स्कूल से भाग गया था बहाना करके टीचर से कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, लेकिन मैं अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा, ये मैंने गलत किया था। देखिए, एक कहावत है बड़ी अच्छी कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे डाई एट द एज ऑफ 20 बट आर बरीड एट द एज ऑफ 80। बहुत सारे लोगों की मृत्यु 20 साल की उम्र में हो जाती है लेकिन उनको दफनाया जाता है 80 साल की उम्र में। 20 साल से 80 साल का ये जो सफर है, वो अपनी लाश को अपने कंधों पे लेके चलते हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके जमीर मर जाते हैं, जो अपने जमीर को मार देते हैं, जो अपने आप से ईमानदार नहीं है, जो अपने आप से सिंसियर नहीं है। तो प्लीज बी सिंसियर टू योरसेल्फ। नंबर टू, प्लीज बी सिंसियर टू योर पेरेंट्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माँ बाप जो है बड़ी मेहनत से बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, पैदा करते हैं, और उनके बड़े सपने होते हैं और उनके आशीर्वाद से ही। देखिए, आज हम सभी लोग हमेशा यही कहते हैं कि आज अगर हमारे माँ बाप ने हमें आशीर्वाद ना दिया होता, हमें इतना अच्छे से पढ़ा लिखा के आगे बढ़ने का आशीर्वाद ना दिया होता, तो हमारे ये सपने कभी साकार नहीं होते। एक ट्रक ड्राइवर की बड़ी अच्छी आपको कहानी सुनाता हूँ बच्चों। एक बॉम्बे में एक ट्रक ड्राइवर है, या थे, अब तो शायद वो ट्रक नहीं चलाते होंगे, वो हाईवे पे ट्रक चलाते थे, और उनके दो बेटे हैं, और उनका ये सपना था कि उनका एक बेटा डॉक्टर बने और एक बेटा इंजीनियर बने। देखिए, हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फिल्म स्टार बने, क्रिकेटर बने, स्पोर्ट्स पर्सन बने, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उस ट्रक ड्राइवर का ये सपना था कि मेरा एक बेटा डॉक्टर बने और एक बेटा इंजीनियर बने। वो ये कभी नहीं चाहता था और कभी इस चीज में विश्वास नहीं रखता था कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर बने, या किसान का बेटा किसान बने, या मेड की बेटी मेड बने। तो वो हमेशा ये विश्वास करता था कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बना सकते हैं। तो उसने बड़ी मेहनत करी, 18-18 घंटे वो ट्रक चलाता था, बहुत कम पैसों में खाना खाता था, और सारे पैसे बचा के अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई दी, बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन कराया, और उसके दोनों बेटों ने उसको देखे कितना अच्छा रिटर्न दिया, सिला दिया, कि एक बेटा उसका डॉक्टर हो गया और एक इंजीनियर हो गया। और तभी उसका टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे उसका इंटरव्यू निकला, तब उसने ये सारी बातों का खुलासा किया, ये बातें उसने बताई कि मेरा ये सपना था कि मेरे एक बेटा डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने, तो मैंने बड़ी मेहनत की ऐसे ऐसे करके 18-18 घंटे ट्रक चला के एंड ऑल दैट। अब आप ये सोचिए कि ऐसे माँ बाप के लिए भी अगर आप सिंसियर नहीं होंगे तो आप ना तो किसी के दोस्त होंगे, ना आप किसी के अच्छे पति बनेंगे, ना दोस्त बनेंगे, ना भाई बनेंगे, ना किसी के अच्छे शिष्य बनेंगे। तो आप प्लीज बी सिंसियर टू योर पेरेंट। और तीसरी चीज, बी सिंसियर टू योर जॉब। आपकी जॉब, हम लोगों की जॉब देखिए क्या, हमारी जॉब ये है कि हम आप लोगों को सही रास्ता दिखाएं, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करें। लेकिन आपकी जॉब क्या है? आपकी जॉब ये है कि आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करें। आप जो है, आपको जो चीजें ट्रेनर्स आपके पढ़ाते हैं उसको आप घर पे जाके रिवाइज करिए, उसको घर पे जाके पढ़िए कि टीचर ने क्या पढ़ाया है, और दूसरे दिन टीचर आपके क्या पढ़ाएंगे उसकी पूरी तैयारी कीजिए, जिससे कि टीचर भी आपके और ज्यादा मेहनत करके आए। और रोज 5 प्रश्न अगर अपने टीचर से आप पूछेंगे तो टीचर के ऊपर भी जाहिर सी बात है और ज्यादा प्रेशर आएगा, तो टीचर जो है और ज्यादा तैयारी करके आएंगे। अंत में फायदा किसका होगा? आप लोगों का फायदा होगा, सभी बच्चों का फायदा होगा, सभी स्टूडेंट्स का फायदा होगा, क्योंकि टीचर का तो बस एक सपना है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो भविष्य में इतना आगे बढ़े कि हमारा नाम रोशन करें,
हम फक्र से ये कह सकें कि ये हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। तो आप बी सिंसियर टू योर जॉब। तो पहली तीन चीजें हमने आपको बताई थी, बर्निंग डिजायर, कंप्लीट सेल्फ बिलीफ एंड अनकंडीशनल फेथ। तीसरी चीजें मैंने आपको बताई कि बी सिंसियर टू योर सेल्फ, बी सिंसियर टू योर पेरेंट्स एंड बी सिंसियर टू योर जॉब। देखिए, शाहरुख खान ने अपनी एक पिक्चर में बड़ी अच्छी बात कही थी, ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने यह कहा था कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करेंगे तो सारी कायनात आपके उस सपने को साकार करने में लग जाएगी। तो कहा जाता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ऊपर वाला अलमाइटी हायर इंटेलिजेंस उन सभी लोगों की मदद करता है जो अपनी खुद मदद करते हैं। अगर आप अपनी खुद मदद नहीं करेंगे, अगर आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो नो मैटर कितने भी अच्छे ट्रेनर होंगे, वो आपका जीवन नहीं चेंज कर पाएंगे, आपके सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो आपके सभी सपने, फिर आपको ट्रेनर भी अच्छे मिल जाएंगे। कहा जाता है कि नो मैटर हाउ गुड द ट्रेनर इज, इफ द ट्रेनी इज रेडी देन द ट्रेनर कम। सेम टाइम अगर ट्रेनी इज नॉट रेडी तो नो मैटर हाउ गुड ट्रेनर इज, ट्रेनर कैन नॉट डू एनीथिंग। तो आप जो है अगर अपनी ओर से पूरी मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे ट्रेनर्स भी मिल जाएंगे। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। उजाला जो है, रोशनी जो है, वो अंधेरे की अनुपस्थिति में ही होती है। डार्कनेस एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, और हर डार्कनेस के बाद लाइट आती है, हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। तो लोग सपने देखेंगे, हमने भी बहुत, सभी लोग बहुत सपने देखते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो साकार नहीं होते हैं। वो जब देखिए, हमेशा अमिताभ बच्चन कहते हैं कि उनके बाबूजी कहा करते थे कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और जो नहीं हुआ वो उससे भी ज्यादा अच्छा हुआ। तो आपके जो सपने साकार नहीं हो रहे हैं, आप समझ जाइए कि वो सपने अच्छे नहीं थे, वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं थे, इसलिए वो हमारे सपने साकार नहीं हुए। तो कभी भी ये मत सोचिए कि हमने 10 सपने देखे थे और 10 सपने में हमारे सिर्फ 4 हुए या 6 हुए, बाकी नहीं हुए। और संजीव शर्मा ने तो ये कहा था कि सपने सब साकार होते हैं। तो जो सपने साकार नहीं हुए, हमारे भी कुछ सपने ऐसे हैं जो साकार नहीं हुए, लेकिन अब हम ये सोचते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ कि वो सपने साकार नहीं हुए, क्योंकि अगर वो सपने साकार हुए होते तो शायद हम आपके बीच में न बैठे होते। तो ऐसा भी होता है। तो कभी भी अपने आप को ये मत सोचिएगा कि सारे सपने साकार होंगे। जो होते हैं वो जरूर होंगे, जो होने चाहिए वो जरूर होंगे, अगर आप संपूर्ण प्रयत्न करेंगे। लास्ट नॉट द लीस्ट, एक बात और कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। देखिए, आजकल COVID-19 चल रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 80% लोगों को होगा, कोई कहता है 90% लोगों को होगा, कोई कहता है 60% लोगों को होगा। मैं हमेशा ये कहता हूं, हर रोज सुबह और शाम यही कहता हूं कि मैं उन 20% या मैं उन 10% लोगों में से होऊंगा जिसको COVID-19 नहीं होगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव में बिलीव करिए, और जिन चीजों को अवॉइड करना है उन चीजों को अवॉइड करिए। अब जैसे मैं ऐसा नहीं कि बाहर निकलता हूं तो मास्क नहीं लगाता हूं या केयर नहीं करता हूं, या मैं कहीं लोगों से जाके पार्टियों में नहीं मिलता हूं। तो इन चीजों को, बिकॉज ये सब प्रयत्न है इन सपनों को साकार करने के। सपना क्या है? COVID-19 हमें नहीं होना चाहिए। उसको साकार करने के लिए क्या करना है? मास्क का यूज करना है, बहुत सारी जगहों पे लोगों के साथ इकट्ठे नहीं होना है, पार्टीज नहीं करना है, बहुत सारे लोगों से एक साथ नहीं मिलना है। ये प्रयत्न है, इन प्रयत्नों को करने की आवश्यकता है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, 65,000 थॉट्स आदमी के जहन में दिन भर में आते हैं, और उन 65,000 थॉट्स में से 99% वो होते हैं जो कल भी आए थे, परसों भी आए थे, वही थॉट्स आपके जहन में आज भी आएंगे। आज सुबह से जब आप उठेंगे तो आपके दिमाग में वही
पुराने थॉट्स आने शुरू होंगे कि आपको कल क्लास में क्या हुआ, आपको कल किसी बच्चे ने गाली दे दी, आपको किसी बच्चे ने बताया नहीं, आपको टीचर ने जो है क्वेश्चन न करके लाने में डांटा, सबके सामने आपकी बेइज्जती हुई, आपके दिमाग में ये सब ख्याल आएंगे, या आपके माता पिता ने डांटा, या आपके पिताजी ने आपकी बात नहीं मानी, यही सारे आपके नेगेटिव ख्याल आएंगे। जब ये नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आए तो आप अपने आप से हमेशा यही कहिए कि अमन ये, तो हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव को डिफ्रेंशिएट कीजिए कि नेगेटिव चीज क्या है और पॉजिटिव चीज क्या है, इन दोनों चीजों में डिफ्रेंशिएशन कीजिए और अपने आप में नेगेटिव चीजों को नहीं आने दीजिए। अगर नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में नहीं आएंगी तो जाहिर सी बात है आप पॉजिटिव सोचेंगे, फिर आप हमेशा ये सोचेंगे कि हमारा हमेशा अच्छा होगा, हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि अच्छा होता है। लास्ट नॉट द लीस्ट, एक और चीज, बहुत सारी बातें हैं वैसे आप लोगों से करने के लिए और कभी फिर मौका मिला तो जरूर करूंगा, लेकिन एक चीज जो आज के पॉइंट से भी बहुत जरूरी है और उस पर एक एग्जाम्पल भी आपको देना बहुत जरूरी है, हमेशा बिलीव करिए कि धन्यवाद लोगों का जरूर करिए, थैंक यू लोगों को जरूर कहिए, अपने टीचर को रोज थैंक यू जरूर कहिए कि आपके टीचर ने अगर आपको एक भी बात अच्छी सिखाई है तो आप उनको थैंक यू कहिए, अपने माता पिता को रोज थैंक यू कहिए और अपने ऊपर वाले को रोज थैंक यू कहिए, सुबह जब उठिए तो कहिए या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे पूरा सब कुछ दिया और आज मैं फिर सुबह उसी तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग लेके उठा हूं जैसे कल रात में पॉजिटिव थिंकिंग लेके सोया था। इस पे आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, इटली में एक मिस्टर पेड्रो है जिनको, जिनकी उम्र 79 इयर्स है, वो 79 साल के हैं और उनको हॉस्पिटल COVID-19 हो गया और उनको अस्पताल में भर्ती किया गया, तो कुछ दिनों के बाद जब वो अस्पताल से ठीक होके निकलने लगे तो डॉक्टर्स ने उनको 5000 यूरो का बिल दिया, तो 5000 वो यूरो का बिल उन्होंने देखा और वो रोने लगे, तो वो बहुत रोने लगे, तो डॉक्टर्स और नर्सेज जो वहां खड़े थे उन्होंने कहा कि मिस्टर पेड्रो प्लीज आप मत रोइए, आपके ये 5000 यूरो हम पे कर देंगे लेकिन आप रोइए मत, आप 79 इयर्स के हैं आप रोइए मत। तो मिस्टर पेड्रो ने बड़ा अच्छा जवाब दिया और जो जवाब उन्होंने दिया वो सुन के डॉक्टर्स और नर्सेज रोने लगे, उन्होंने ये कहा कि मैं इस बात के लिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे 5000 यूरो मेरे पास नहीं है जो मैं आपको नहीं दे सकता हूं, मैं तो इस बात के लिए रो रहा हूं कि 79 इयर्स की मेरी एज है, एक दिन मुझे वेंटिलेटर पे आप लोगों ने रखा, एक दिन की सांस लेने के लिए मुझे 5000 यूरो देना पड़ रहा है, पिछले 79 इयर्स से मुझे ऊपर वाला फ्री की सांस देता रहा, फ्री की ऑक्सीजन देता रहा, लेकिन मैंने कभी उसका धन्यवाद नहीं अदा किया, मैंने आज तक उसको कभी थैंक यू नहीं कहा, अब अगर मैं ये जोड़ना शुरू करूं कि पिछले 79 इयर्स से जो उन्होंने हमें फ्री में ऑक्सीजन दी, फ्री में सांसें दी, उसके लिए अगर मैं उन्हें धन्यवाद अदा करूं तो शायद मुझे बिलियंस ऑफ यूरो से भी ज्यादा देना होगा। तो दोस्तों हमेशा इस चीज में विश्वास रखिए कि कोई भी चीज अगर आपके लिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, करता है तो उसको आप थैंक यू जरूर कहिए, धन्यवाद जरूर कहिए, बहुत जरूरी है। मैंने आप सभी लोगों का बड़ा वक्त लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड माय स्टोरी, फॉर सो बीइंग सो काइंड, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों के कोई भी प्रश्न हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, बाद में भी मोबाइल और मेल के थ्रू पूछ सकते हैं, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ओवर टू यू अमन। थैंक यू सो मच सर, एक प्रश्न है जिसका उत्तर हम आपसे जानना चाहेंगे। एक सवाल आया है कि हम कई बार बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उसके बाद भी पैसों के कमी के कारण कई बार हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते, तो ऐसे में हम ये कैसे बिलीव करें कि हमारे सारे सपने पूरे। देखिए ऐसा है, मैंने आपसे कहा ना कि जब मैंने पहला सपना देखा था इम्पाला कार का तो मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कितने पैसे चाहिए, या जब मैंने ये सपना देखा था, आप यकीन करें मैं उस वक्त दुबई में नौकरी करता था, लेकिन जिस वक्त मैंने ये सपना देखा था कि मैं अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजूंगा यूके और यूएस, तो हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, हम उतने पैसे नहीं कमाते थे, लेकिन
हमने ये सपना देखा और मैं मेहनत करता रहा और मेहनत करके मैं पैसे कमाता रहा ईमानदारी से और ऑनेस्टी के साथ। तो मेरा मैंने उतने पैसे कमाए और ऊपर वाले ने मुझे धीरे धीरे इतने पैसे दे दिए कि मैंने क्या किया, मैं बड़ी ईमानदारी की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जो है वो एक सपना और देखा था कि एक विला खरीदूंगा, तो मैंने वो विला खरीद लिया। और जब मेरे बच्चे विदेश पढ़ने जाने लगे तो मैंने उस विला को बेच के वो पैसे अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दिए। तो आप देखिए कि कैसे मेरे पास पैसे आए। तो आपने जो ये प्रश्न पूछा कि कई बार ऐसा होता है कि पैसों की कमी की वजह से कुछ सपने पूरे नहीं हो पाते, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखिए अब जब मैं पढ़ता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत कम ही लोगों को ये बात पता होगी, मैं छुट्टी 2 महीने की छुट्टी में मैं घर नहीं जाता था। सुबह 6 बजे उठता था और अपने हॉस्टल में, क्योंकि मेस बंद थी, पूरी सब्जी अपने खुद से बनाता था। और 6:30 बजे मैं जो हूँ ये सिंगर स्विंग मशीन डोर टू डोर बेचने जाता था। घर घर जाके सिंगर स्विंग मशीन में बेचा करता था, लोगों को कन्विंस करता था कि ये सिंगर स्विंग मशीन बड़ी अच्छी है और आप ये खरीदें। और उसमें मुझे जो है हर एक मशीन को बेचने में मुझे कमीशन मिलता था, तो उससे मैं थोड़े पैसे कमाता था, मैंने वो पैसे सेव किए। तो आप आज स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अपने फ्री वक्त में, आप बजाय इसके कि अपना वक्त जाया करें मोबाइल पे और व्हाट्सएप मैसेजेस पे, आप कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, आप ट्यूशन करना शुरू कर सकते हैं अगर आप अच्छे हैं, आप उससे थोड़े पैसे कमा सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने फ्री वक्त में कुछ करके थोड़े से पैसे कमा सकते हैं और उन पैसों से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हो सकता है कि उन सपनों को साकार करने में आपको थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाए, ये संभव है, क्योंकि आपको पैसे कमाने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए होगा। लेकिन ये मैं आपको जरूर गारंटी देता हूं कि अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप सिंसियर हैं, अगर आपके जहन में ये नहीं है कि आपकी नीयत खराब नहीं है। देखिए कहा जाता है कि अच्छी नीयत और बुरी किस्मत ज्यादा दिन एक साथ नहीं रहते हैं, उसी तरीके से अच्छी किस्मत और बुरी नीयत भी ज्यादा दिन एक साथ नहीं रहते हैं। तो हो सकता है कि कुछ दिन आपकी नीयत तो अच्छी हो लेकिन किस्मत साथ ना दे रही हो, क्योंकि आप सही तरीके से एफर्ट्स ना कर रहे हो या आपके हाथ में वो मौके ना आ रहे हो, उसमें थोड़ा वक्त लग रहा हो, शायद वो चीज अच्छी हो रही हो आपके फेवर में। तो आप जो है ये मत सोचिए कि ये पैसों की कमी की वजह से मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। आप जो है धीरे धीरे पैसों को कमा सकते हैं मेहनत करके। मैंने आपको बताया मैंने किस तरीके से पैसे कमाए, और मैं तो ये तो मैंने बीए की आपको बताई, मैं तो इंटरमीडिएट में भी जब था तो उस वक्त भी मैं एक कंपनी में, स्वास्तिक कंपनी जो शायद आज भी सब एग्जिस्ट करती हो, उसमें भी मैं जाता था शाम को 5 बजे से 7 बजे तक जाके। मेरा काम क्या था, सिर्फ फॉर्म फिलअप करना कस्टमर के, वो सब मैं किया करता था। तो बहुत तरीके हैं जिससे ईमानदारी से आप पैसे थोड़े थोड़े करके कमा सकते हैं और कमा के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आशा करता हूं मैंने आपके प्रश्न का सही तरीके से उत्तर दिया होगा। आगे भी अगर कभी आपको कुछ पूछना हो तो आप हमसे हमेशा पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो